नमस्कार दोस्तों, समृद्धि क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं दो कलर में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान डिजाइन बनाना बताऊंगी आपको। इस डिजाइन को हमने 27 फंदों में डाला है, 27 फंदों में हमें डालना है। तो इसमें हमने बॉर्डर बनाया है और बहुत ही छोटा सा पतला सा बॉर्डर में बनाया है। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा का हमने इसमें बॉर्डर बनाया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमें दो कलर का डिजाइन कैसे डालना है। पहले हमें तीन फंदे सिंपल बुन लेना है, सीधा बुनना है धागा पीछे करके। ये तीन फंदे को हमने बुन लिया और चौथा फंदा में हम ब्लैक धागा लगाएंगे। और इसके बाद फिर हम चार फंदे येलो कलर के धागे से बुनेंगे। और एक फंदा हम ब्लैक कलर के धागे से बुनेंगे। और चार फंदे हम येलो कलर के धागे से बुनेंगे। तो दोस्तों ये पहला राउंड है, डिजाइन बनाने का पहला राउंड है और पहला राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक फंदा ब्लैक और चार फंदे येलो कलर से हम बुनाई करेंगे। तो ये राउंड पूरा हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट के तीन फंदे इधर भी हैं और लास्ट में शुरू के तीन फंदे इधर भी हैं और लास्ट के तीन फंदे इधर भी बचे हैं। ये हमारा पहला राउंड बन गया। और दूसरी राउंड में हम पीछे साइड से हमें येलो पर येलो और ब्लैक पर ब्लैक बुनाई करना है। तीन फंदे येलो कलर से बने थे, हमने तीन फंदे को येलो कलर से बुन दिया और ये जो चौथा फंदा है ब्लैक कलर से हम बुनेंगे। और फिर ये चार फंदों को हम येलो कलर से बुना हुआ है तो इसे हम येलो कलर से बुनेंगे और इसको हम ब्लैक कलर से बुनेंगे। तो इसी तरह से हमारा दूसरा राउंड येलो पर येलो कलर और ब्लैक पर ब्लैक कलर से हम पूरा बुनाई कंप्लीट करेंगे। ये हमारा दूसरा राउंड भी अब कंप्लीट हो रहा है। हमने चार फंदे येलो और एक फंदा ब्लैक कलर से बुनाई किया है। ब्लैक पर ब्लैक और येलो पर येलो कलर से हमने बुनाई किया। अब हम सीधे साइड आ गए तीसरे राउंड में। तीसरे राउंड में हमें फंदे बदलना है। तो देखिए हमें क्या करना है, एक और दो, दो फंदे हमने बुन लिए और ये तीसरे फंदे को हम ब्लैक कलर के धागे से बुनेंगे और जो ये ब्लैक कलर का फंदा है इसे हम येलो कलर से बुन देंगे। और फिर यहाँ ये फंदा है इसे हम ब्लैक से ही बुनेंगे। ये इस तरह से बुना जाएगा और दो फंदे हम येलो कलर से बुनेंगे। उसके बाद फिर वैसे ही हम बुनेंगे, जो बीच में ब्लैक कलर का ये फंदा है इसे हम येलो कलर से बुन देंगे और जो ये दो फंदे हैं येलो कलर के इसे हम ब्लैक कलर से बुन देंगे। देखिए हमें कैसे बुनना है, ये हमने येलो कलर से बुन लिया और ये जो ब्लैक कलर का फंदा है इसे हम येलो कलर से बुनेंगे और फिर इस फंदे को भी हम ब्लैक से बुनेंगे। तो इस तरह से जो बीच में ब्लैक फंदा था वो येलो हो गया और साइड के दो फंदे जो येलो थे वो ब्लैक हो गए। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा राउंड अब कंप्लीट हो रहा है। देखिए लास्ट में भी यहाँ दो फंदे बचे हैं येलो कलर के और यहाँ शुरू के भी दो फंदे हमारे बचे हैं येलो कलर के और यहाँ भी हमारे लास्ट में भी दो फंदे बचे हैं इस तरह से। और हम पीछे साइड आ गए
चौथे राउंड में। तो चौथे राउंड में हमें वैसे ही बुनाई करना है, ब्लैक पर ब्लैक और येलो पर येलो कलर के धागे से बुनाई करना है। देखिए दो फंदे येलो कलर के थे, हमने येलो कलर के धागे से बुनाई किया, और ये ब्लैक फंदा है तो इसे हम ब्लैक फंदे से बुनाई करेंगे, और बीच में येलो कलर है तो हम इसे येलो कलर के फंदे से बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम ये चौथे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप कार्डिगन में भी डाल सकती हैं, और जेंट्स के स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में आप इसे कहीं भी डाल सकती हैं। ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसान है। हम इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे, येलो पर येलो और ब्लैक कलर के ऊन पर धागे पर, ब्लैक कलर के फंदे पर हम ब्लैक कलर से बुनाई करेंगे, येलो कलर के फंदे पर हम येलो कलर से बुनाई करेंगे। ये हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सीधे साइड आ गए। सीधे साइड हम फिर से वैसे ही बुनाई करेंगे जैसा कि हमने शुरू में बुनाई किया था। देखिए शुरू में यहाँ तीन फंदे येलो कलर के थे, जैसा कि नीचे दिख रहा है, एक दो तीन, तो यहाँ तीन फंदे हो जाएंगे येलो कलर के, दो फंदे से तीन फंदे हो जाएंगे, एक दो, और ये जो ब्लैक कलर का फंदा है इसे भी हम येलो कलर से बना लेंगे, और ये जो बीच में येलो कलर का फंदा है इसे हम ब्लैक कलर से बना लेंगे इस तरह से। ब्लैक पर येलो कलर और येलो कलर पर ब्लैक कलर, और यहाँ जो फंदे हैं दो, ये यहाँ चार फंदे हो जाएंगे, दो फंदे से चार फंदे येलो कलर के हो जाएंगे। तो देखिए एक फंदा ये है और ये दूसरा बन रहा है, दो फंदे, ये तीन फंदे, और यहाँ चार फंदे, ये चार फंदे येलो कलर के हो गए, और ये जो येलो कलर का बीच में था फंदा ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ब्लैक कलर के धागे से हम बुन लेंगे। देखिए दोस्तों ये डिजाइन इस तरह से बनता जाएगा, और देखिए शुरू में भी तीन फंदे यहाँ है येलो कलर के, और यहाँ लास्ट में भी तीन फंदे हैं। तो इसके ऊपर हम आपको और डिजाइन बना करके इसी तरह से हम दिखाएंगे, जैसा कि हमने बनाया है इसी डिजाइन को हम इसके ऊपर बनाकर आपको दिखाते हैं। उल्टे साइड से हम वैसे ही बुनेंगे, येलो के ऊपर येलो और ब्लैक के ऊपर ब्लैक धागे से बुनेंगे। पीछे साइड से हम इसी प्रकार से बुन करके इसे कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर और डिजाइन हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों हमने उसी डिजाइन को जो आपको नीचे बताया था उसी को हमने और ऊपर बुन करके दिखाया। दोस्तों ये डिजाइन बहुत बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप स्वेटर पे भी डाल सकती हैं, जेंट्स के स्वेटर में और बच्चों के स्वेटर में और कार्डिगन में भी डाल सकती हैं, और कलर आप अपने पसंद का लगाइएगा, एक कलर हल्का और एक कलर डार्क रहेगा तभी ये डिजाइन खूबसूरत लगेगा।
दोस्तों आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सिंप्लीफिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।